नागौर जिले के नावा में जयपाल हत्याकांड के मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपाल हत्याकांड मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर जयपुर कुछ के लिए रवाना हुआ है। वहीं सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नावा से जयपुर के सीएम हाउस का घेराव करने के लिए रवाना हुए। इसी दौरान जोबनेर महिला के बीच हल्की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। और आ रही हाल तो राजा को काल बचो। हां मैं भाई दवा दे यार पकड़ ये पकड़ कानून को हाथ में नहीं लेना है। सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आने वाले 5 मिनट के अंदर बैठ जाओगे आराम से। धीरे धीरे गाड़ियां घुमानी है और सारे सारे मुख्यमंत्री हाउस घेरने के लिए जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। हरीश जी कुमाऊ यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे सारे लोग जो पूरे राजस्थान से आए वो राजधानी को घेरेंगे और जयपुर कूच करेंगे। ये लड़ाई हार पार की है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत मजबूती के साथ एक भी व्यक्ति को वापिस नहीं जाना है। सब लोग रास्ता हम आगे से बता दें किस तरह चलना है। हमें यही नावा वाला रोड लेना और जयपुर मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए चलना है, ठीक है। कानून को हाथ में नहीं लेना है। सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आने वाले 5 मिनट के अंदर बैठ जाओगे आराम से। धीरे धीरे गाड़ियां घुमानी है और सारे सारे मुख्यमंत्री हाउस घेरने के लिए जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। हरीश जी कुमाऊ यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे सारे लोग जो पूरे राजस्थान से आए वो राजधानी को घेरेंगे और जयपुर कूच करेंगे। ये लड़ाई हार पार की है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत मजबूती के साथ एक भी व्यक्ति को वापिस नहीं जाना है। सब लोग रास्ता हम आगे से बता दें किस तरह चलना है। हमें यही नावा वाला रोड लेना और जयपुर मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए चलना है, ठीक है। कानून को हाथ में नहीं लेना है। सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आने वाले 5 मिनट के अंदर बैठ जाओगे आराम से। धीरे धीरे गाड़ियां घुमानी है और सारे सारे मुख्यमंत्री हाउस घेरने के लिए जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। हरीश जी कुमाऊ यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं
और बाकी सारे सारे लोग जो पूरे राजस्थान से आए वो राजधानी को घेरेंगे और जयपुर कूच करेंगे। ये लड़ाई हार पार की है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत मजबूती के साथ एक भी व्यक्ति को वापिस नहीं जाना है। सब लोग रास्ता हम आगे से बता दें किस तरह चलना है। हमें यही नावा वाला रोड लेना और जयपुर मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए चलना है। ठीक है।